112 है अपनी संख्या का, क्लास 9th साइंस में लेसन नंबर 8 के पास। और क्या कह रहा है कि चाल और बिग में क्या बताना है अंतर। तो चलिए थे देखो सब लोग एक काम कर ले यार, पढ़ाई लिख लो तो लो कम से कम, कम से कम एक भाव लिखोगे तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा। इधर चाल लिख लो, इधर का लिख लो बेग, इधर चाल लिखो उधर का लिखो बेग। जानते हो ना चाल जो होता है, आपको याद होगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को आई बे किसे कहते हैं, कोई पिंड एकांक समय में जितने बार क्या होता है विस्थापित होता है। चाल अदिश राशि होता है, ये चाल कौन राशि, सदिश राशि। चाल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन बेग का मान शून्य हो सकता है। तो लिख लो, अरे देख लो क्या कर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। हमें कोई पिंड एकांक समय में जितने बार विस्थापित होता है, कोई पिंड एकांक समय में जितना बार विस्थापित होता है, विस्थापित होता है तो उसे क्या कहोगे, बेग कहते हैं। दूसरा लिखना, यह कौन सी राशि होती है, यह एकादश राशि होती है। बहुत फटाफट लिखेंगे आप, ये कौन सी राशि होती है, ए भोला भोला, अरे बेग सदिश राशि होता है बाबू, चाल शून्य नहीं हो सकता है, चाल शून्य नहीं हो सकता है। अब बेग शून्य हो सकता है क्या, हो बेग शून्य हो सकता है, तो ये हमारा कहानी था। चाल कब सुने नहीं होगा, कहे कि दूरी कब सुने नहीं होता है, अच्छा वो दूरी कब सुने नहीं होगा तो चाल कभी सुने नहीं, मात्रा दोनों का सेम होता है तो अंतर ना हो तो सेम हो जाए। चला क्या आप देखो हो क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर पर चला हमने क्या है, पहले उतार लेना फटाफट। देखो बाबू दूसरा नंबर प्रश्न क्या होता है, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होगा। कब बराबर हुई, जब वस्तु समान त्वरण से चलता है तब, समझ रहे हो, यानी जब विस्थापन और दूरी दोनों सेम रहे। लिख लेना कि जब विस्थापन और दूरी दोनों एक समान होते हैं, एक समान होते हैं तो औसत वेग और औसत चाल, प्रश्न छोड़ दो घर लिखना, पागल वाला मर के लिखी हटाओ तो देख लेना। ए बाबू बेग बराबर विस्थापन बटा समय आ चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सुना इन्हें पूछ रहा ये बा कि कब माने औसत बेग और औसत चाल बराबर है, कब जब विस्थापन और दूरी दोनों बराबर है तब, जब विस्थापन 10 के बाद दूरी 10 है तब ना दोनों बराबर होगा, ये जरूर याद रखना। दूसरा का उत्तर है माने जब विस्थापन बराबर लिखो, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे कि इसका औसत वेग भी क्या होगा, बराबर होगा। कभी भूलोगे तुम लोग, कभी नहीं भूलना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा के पास, किसके पास, तीसरा दूध उत्तर ऐसे ही याद हो गया तुम लोग का।
एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या बताता है? ऑडोमीटर वाला नहीं देखते हो, कौ किलोमीटर गाड़िया चलता है जी सर, इसको बताता है, दूरी को बताता है ना, कौ किलोमीटर तो दूरी तय करता है। इतना सुंदर क्वेश्चन आ गया। लिखाई हमार बाबू कि गाड़ी के ऑडोमीटर दूरी को बताता है। ऑडोमीटर का कहाँ वाला मालूम है? जाना है ना, दूरिया बताता है कितना स्पीड से चला रहे हैं, उसी को ऑडोमीटर कहता है। जो गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी को बताता है, दूरी को बताता है, लिख लो जीरो ऑडोमीटर होता है। गड़िया कितना दूरी तय करता है, कितना तो चला रहे हो, दूरिया का बताता है ऑडोमीटर वाला। आइए ऑडोमीटर जो गड़िया बेचे करे ना तो लोग चलेगा 20,000 किलोमीटर, कम करा देगा 5,000 किलोमीटर, तो जो खर्चा वो कहता है अरे वाह हम तो 5,000 चलल गाड़ी लेकिन ओकरा मालूम होना चाहिए। गाड़ी के पहचान कैसे मालूम बा? चक्का से पता है, चक्का से कितना पैसा इतना बेचे को चक्का और इंजन हो सर जी, चक्का ना लगा दो तब बचबे नहीं करोगे तो कल के गाड़ी का चक्का लगाओगे ना यार, हमारे पास सब नया कर दोगे तो कब बचना है सर जी? एक ऑटो गाड़ी का ऑडोमीटर, ऑडोमीटर आ जाओ ऐसे रुक दिए। गाड़ी का ऑटो उपरा लिखा गया ना पहला जी सर, पहला नहीं लिखा होगा लिखा है सर, पहला दूसरा तीसरा सर लिखा गया। चौथा कोटा कि जब वस्तु एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है चलता है तो उसका पथ सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। ए मर्द तू जानते हो सीधा चलता रहा, एक समान चाल से चलबा तो सीधा ना चलबा। चाल कब बदलेगा? जब आदमी सीधा चलता है ना, घूम गई घूमला चाल बदलता है ना। अभी ना 20 के 40 की स्पीड से चलता है, 40 पे घुमाई बा तो गईला ना हो नहरी बनेगा तब खेतवा में जेब तो नहरी है बाबा, पहले तो नहर है बा पानी चारों उधर बा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ आज का पढ़ाई का दिन होगा समाप्त। पांचवा होता है मिठा तीन दो तीन नहीं सर, आप पछुआले रहते हो काले का खाते हो गया सर, रोई में रख हो गए। एक प्रयोग के दौरान सुना क्वेश्चन सुनाइए। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है, अचाल दे दलवा और दूरी आपको पूछ रहा है कितना होगा? क्या पूछ रहा है? दूरी। सुना ध्यान से, समय दे दिया कितना मिनट बाबू? 5 मिनट। समय 5 मिनट, ये समय हूँ मैं, समय हूँ किसी को नहीं छोड़ता हूँ मैं, समय हूँ किसी को नहीं छोड़ता हूँ। समय के अनुसार तुमको भी ले जाऊंगा, तुम्हारे मम्मी को भी ले जाऊंगा, तुम्हारे पापा को भी। 300 सेकेंड हो जाएंगे लिखे सर, तो कहा जो दिया तो लिखोगे नहीं? 300 सेकेंड है यार सेंटीमीटर, समय के मतलब अच्छा हाल दलवा 3×10 को पर दिया गया है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड 7 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकेंड होता है। हाँ तो 6×300 सेकेंड हो जाए। आ जाओ दूरी पूछ रहा है, मिटा देना सर। क्या पूछ रहा है? दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुण है समय, चाल गुण है समय। अच्छा हाँ चाल बता का लिखाएगा सजी, बोलिए 3×10 का मतलब उदिया आपकी किताब में नीचे पढ़ो। अच्छा पढ़वा तब ना जनबा, समय दलबा कितना 300, अतो कितना आसान है। आए 3×3 कितना हो जाएगा 9, 10×8 हो से ही, आई 2×0 बात 10×2 2×10 तो 9×10×10 केवल मीटर हो जाएगा। आइए हमारा कहाँ आ जाएगा आंसर, केवल मीटर हमारा।
आंसर। पांच की पढ़ाई यहीं पर ब्रेक करते हैं, बाकी हम लोग नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ कल मिलते हैं, ठीक है।